वाटे सीएलसी हूं कना सिलेक्शन हो आप 2022 के नाम है जिज्ञासा सीएलसी में ही पढ़ी घरे पढ़ाई करी सीएलसी बढ़िया पढ़ाई करी हमें नो दे मैन अपने दूसरी स्कूल में के फर्क है बे तो हॉस्टल है खान पीन व्यवस्था है हेंगो नहीं नवोदय में पढ़ाई करनी चाहिए बढ़िया जोरदार व्यवस्था हाँ बढ़िया ही करने मिले बटे हाँ गेम्स में पढ़ाई में हेंग या अलग अलग जिग्या का टाबर है व्यवस्था हाँ। बढ़िया है अंग्रेजी वगैरह सब बढ़िया हाँ इंग्लिश मीडियम है पापा के करे बैंक में बैंक के नौ नौ बता मोहनलाल है मोहनलाल हाँ तो आ आ बेटी आपने हाँ आप रो कोई नौ तारा आपने बेटी रो सिलेक्शन कब हुयो 2022 में तो आ सीएलसी में पढ़ती सीएलसी में और घरे तैयारी करती और सर कोई सहयोग मिलियो अच्छी तैयारी करी तो ए ओमार सीट वगैरह में परीक्षा ले टाबरों तैयार की कर करे पहला कोर्स करावे पूरो बाद में जैसे नजदीक आवे एग्जाम जिन ओमार सीट हो टेस्ट ले तो हमें और बच्ची साल पर होगी नवोदय पर दो साल सिक्स में गई और सेवन में अब हमें नवोदय में जाऊं डुकी बिंग बाद में व्यवहार उठक बैठक की तरीके की बढ़िया है सुधार हुयो है बोली चाली हाव भाव अच्छा सुधार हुयो घर पे रहती तो फोन देखती है पढ़ाई कम करती है वहाँ पे यहाँ अच्छी तैयारी की थी और नवोदय में बहुत अच्छा है रहने के लिए और पढ़ने के लिए खेलने के लिए सब कुछ मिलता है वहाँ पे तो आप रहो के संदेश है बच्चों ने भेजना चाहिए नवोदय में अच्छी तैयारी कराओ बच्चों ने अच्छा भेजो मतलब जिंदगी सुधारने के लिए अच्छा होता है आप खुद सर्विस में हो या गृहिणी गृहिणी हो लेकिन बेटी रो पूरा पढ़ाई रो ध्यान रखे खुद मैं बीएससी सीखी हुई है पढ़ाई नहीं की बच्चों को अच्छा पढ़ाओ और अच्छा आगे भेजो तो आप रे बहनो हेंगो नहीं ओई कहनो है ना भाई बेटियों ने पढ़ाओ बराबर को दर्जो दो और नवोदय की तैयारी कराओ सैनिक स्कूल की तैयारी कराओ सैनिक स्कूल है नवोदय की है लड़का लड़की एक समान होते हैं अच्छी तैयारी करो आगे आप रे बच्चों की गए नवोदय नहीं मेरी भतीजी है भतीजी है इरे बेली सिलेक्शन हुई भाई ने अलग नहीं इस साल हुआ है बाद में आप रे बेटी भी नवोदय पढ़े मेरी बेटी नवोदय ये आप बेटी मतलब तीनों मम्मियों है जगह नवोदय टावर पढ़े तो बाकी मम्मियों जगी टावर नहीं पढ़ावे बो नहीं आ कहो के है नवोदय की तैयारी बढ़िया है या टाबरिया बेट पढ़े को नहीं या इत पढ़े ठीक नहीं के सबसे पहली बात तो ये सर के नहीं टाबर चौथी पांचवी में पढ़े ना टाबर ओएमआर सीट भरनी ही है और दूसरी बात टाबरों के बीच में आपस में कंपटीशन की तैयारी बने और पहले भी नॉलेज हो जाए कि भाई कंपटीशन कितो आगे तगड़ो है अपन के हिसाब मेहनत करनी चाहिए और नवोदय में जानेगो हेंगो बढ़िया रीजन है कि आप परिवार संपत्ति हैंग हाथ है रो भी अनुशासन कितो भी कोशिश करो बन नहीं सके जबकि नवोदय में अनुशासन के लिए बहुत अच्छा है बटाबर कोचिंग रो कितो योगदान है कोचिंग का बहुत बड़ा योगदान है सर इसमें कोचिंग वालों का योगदान है ठीक है पेरेंट्स भेजते थे पढ़ने के लिए टाइम था नहीं होता तो भी कम होता दो तीन बच्चों के साथ पढ़ा नहीं पाते कोचिंग में बहुत अच्छा है सर सिमरता राम जी का और केला जी का अच्छा योगदान है तो कोचिंग रो कितो योगदान बढ़िया योगदान है बहुत बढ़िया योगदान है कोचिंग का तो भाई साहब कई नाम है जय श्री पहलो साल है दूसरो साल पहलो साल नवोदय में ठीक व्यवस्था बढ़िया घर याद बीजी कौन मम्मी घनी ना घनी को आवे बट हो रहा रखे हो रहा घनी रखे हां घनी हो खाने हूं व्यवस्था हूं पढ़ाई खेल बहुत बढ़िया बढ़िया है बाकी बहनों है जकी नवोदय में नहीं जे पढ़ाई नहीं करे बोनी के कहना कैसे ही पढ़ाई करो नवोदय में हां थी पढ़ाई करो नवोदय में आओ आ बेटी आप हां मेरी बेटी है तो आप रे कठे तैयारी करी ईसीएलसी कोचे कैला जी और सुमित राम जी ने करवाई कितना साल तक तैयारी करी एक साल तक की एक साल में सिलेक्शन हुआ हाँ एक साल में सिलेक्शन हुआ बढ़िया कोचिंग बढ़िया हाँ बहुत बढ़िया कोचिंग है बहुत सपोर्ट किया इन बच्चों को बहुत अच्छी तैयारी करवाई हमें आप डूगी जहाँ पास है और एक पहला व्यवहार हो तो इनमें क्या फर्क बहुत मतलब काफी फर्क है अभी तो ये 3-4 महीने हुए गई है बहुत बदलाव हुआ बच्चों में तो काफी बदलाव हुआ उठक बैठक है बहुत व्यवहार हुआ अच्छा आप एक बार नाम बताओ किसका मेरा जमुना तो आप गृहिणी हो या नौकरी करो नौकरी करो और बच्ची की पढ़ाई रो भी ध्यान रखो बराबर आप रो कहीं नाम निर्मला आप नौकरी करो या केवल ना नौकरी करो नौकरी करो
लेकिन बच्चों ने पढ़ाई में बराबर ध्यान दो। जी सर, समर्थ राम जी और केला जी का बहुत अच्छा योगदान रहा, हमें जो टाइम नहीं मिला उसकी कमी इन्होंने पूरी की। कम संसाधनों के साथ होते हुए भी उन्होंने शुरू की, तब ये बच्ची वहाँ गई थी, उसके बावजूद उनका अच्छा प्रयत्न रहा कि बच्चों का सिलेक्शन हुआ और आगे भी वो तैयारी बहुत अच्छी करवा रही। मेरे एक बच्चा और जा रहा है, चौथी क्लास में पढ़ रहा है लेकिन वो जा रहा है। आ बड़ी चीज है कि अगर ध्यान नहीं रहने ना टाइम नहीं मिले नौकरी पेशा लेने, लेकिन आ बढ़िया मेहनत। जी सर, यानी गृहिणी मतलब घर का काम भी करना पड़ता है और नौकरी पे भी जाना पड़ता है, बच्चे का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते, ध्यान तो रख पाते लेकिन पढ़ा नहीं पाते। वो विशेष योगदान रहा सर का कि उन्होंने बहुत अच्छी मतलब पढ़ाई करवा की, बच्चों को आराम सीट भरवा की, उनका मतलब शिक्षा के प्रति सर का विशेष योगदान रहा, बच्चों के प्रति और भी विशेष योगदान रहा कि उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करवाई। छोटे टाबरियों पढ़ना ही आता है, बहुत डिफिकल्ट काम है, उनको समझना भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सर ने उनके पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करके, नवोदय के प्रति उनका मोटिवेशन देके और बच्चों में सिलेक्शन का यूं जज्बा दिलवाया। ना मैं अपने कोई उन्हें घणो जाने की जरूरत है नहीं, कटे धक्का खाने की जरूरत नहीं है, कोचिंग सेंटर नेड़ो ये सुविधा होगी ना, सुविधा पैसा खर्च करने सेठी जानो सेठी जानो पर तो ध्यान ही कोने। तो लोगों ने के नवोदय की तैयारी करनी की है, मार्कशीट या परीक्षा फॉर्म भरना, ग्रामीण लोगों ने तो वही ध्यान को नहीं, नवोदय का फॉर्म भरी जे की करे मतलब कोचिंग खोलने और एक दूसरे आगे बढ़ने के बच्चे ध्यान पड़ी हो कोचिंग बड़ा मतलब कोचिंग रो बड़ो योगदान, कोचिंग बड़ो योगदान हो। माँ बाप रे कने पैया है लेकिन गाइड कौन करे। इसके पापा का फॉर्म भरा हुआ था पांचवी क्लास में, मेरे पापा खुद टीचर थे लेकिन उनके पास मतलब गांव में मतलब मेरे दादाजी थे नहीं, तो घर गृहस्थी संभालने में इनके एग्जाम रह गया था देना, तो बड़ा मलाल था लेकिन इस बच्ची ने पूरा कर दिया कि भाई आपका सपना पूरा कर दिया बेटी जी। थैंक यू।